देखिए इंडिया के ब्रास टैक्स ने, हमने अपने थिंक टैंक के फोरम से बहुत तवील अरसे से इंडियन क्रिश्चियंस पर जो जुल्म हो रहे थे उस इश्यूज को हमने उठाया, सिखों पर जो जुल्म हो रहे थे उन इश्यूज को हमने उठाया, दलित और शुदर जो उनके अनटचेबल्स हैं जिनके खिलाफ ये हिंदू ज़ायनिस्ट एक शदीद मुहिम कैंपेन रन कर रहे हैं, तो इस वक्त इंडिया में भी हमारे इस प्रोग्राम को, इस मिशन को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और अंदर से इंडियन सोर्सेज हमें ईमेल्स पर और मैसेजेस के जरिए हमें खबरें भेजते हैं कि अंदर मूड क्या चल रहा है और मिजाज क्या है। बल्कि आज हम ये ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि इंडियन सोर्सेज से हमें कंफर्म हुआ है इंडिया में दलित शुदर वो क्रिश्चियंस के जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट में और मिलिट्री इंटेलिजेंस में और पुलिस इंटेलिजेंस सर्विसेज में काम करते हैं, वहां से हमें पता लगा है कि ये लोग जो इन्वॉल्व थे, वो लड़का जिसकी तस्वीर बार बार दिखाई जा रही है, पे प्रोड्यूसर साहब से अगर जातो कि इस वक्त वो डिस्प्ले भी कर दें वो तस्वीर, जिस लड़के की तस्वीर ये दिखाई जा रही है, इसका आप नोट कीजिए कि हाथ के ऊपर ये येलो बैंड पहना हुआ है, ऑरेंज रंग का जो बैंड है, ऑरेंज बैंड, ये सेफ्रॉन बैंड जो है ये बीजेपी के दहशतगर्दों की खास निशानी है। इस लड़के का नाम अमर सिंह है, ये सिख है और इसके साथ जो दूसरा लड़का मारा गया है इसका नाम हीरा लाल है, ये दोनों रॉ के एजेंट है। ये खबर हमको इंडियन इंटेलिजेंस सेटअप से अंदर से पहुंची है उन लोगों की कि जो पुलिस सर्विसेज के हैं और इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और दे हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस मैन, ये सिख है और इसके साथ जो दूसरा मारा गया है उसको उन्होंने म्यूटिलेट कर दिया, उसकी शक्ल इतनी खराब कर दी है कि कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर सके। इनसे बात यह हुई थी कि इनको जिंदा गिरफ्तार किया जाएगा, बाद में जब खेल गलत हो गया, जब पूरे मीडिया ने पकड़ लिया, इतना गुफअप्स किए, इतनी मिस्टेक्स की इन्होंने इसको हैंडल करने में, तो नाउ द इंडियन इंटेलिजेंस डिसाइडेड को इनको एलिमिनेट कर दिया जाए। उस पर इसने रेजिस्टेंस भी की, इस तरह के लोग उनके साथ और थे, इसको इन्होंने जिंदा गिरफ्तार किया है। इंडियन मीडिया अब अमर सिंह को जिंदा गिरफ्तार किया गया, और ये हीरा लाल जो है इसको मार दिया, मार के शक्ल भी, और ये जिसकी अभी आप जैसा देख रहे हैं तस्वीर, ये जो लड़का है जिसके हाथ पे ऑरेंज बैंड है और ये बैग्स लेके जा रहा है, उसके हाथ में गालिबन एक गन भी है, ये सिख लड़के, आप इसके बाद बता रहे हैं, आप इसको एनालाइज कीजिए, इसके ये इसकी शक्ल भी पाकिस्तानी नहीं है, ये कोई पाकिस्तानी मुसलमान की शक्ल ये नहीं होती, इस लड़के का इंडियन फेस है, बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस, और ये बहुत सुकून से वॉक करता हुआ जा रहा है। देखिए ये कोई ऐसे, इसकी अगर आप नीचे लॉबी में अगर आप इसकी तस्वीर देखें, नीचे वाली तस्वीर अगर आप दिखाएं तो उसमें इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, और ये भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इन लोगों ने यहां पे दहशतगर्दी शुरू करने से पहले कैफे में बैठ के शराबें पी हैं, इनके बैकपैक से शराब की बोतलें निकली हैं। कोई मुसलमान मुजाहिद जो जिहाद पे जा रहा है और शहीद होने जा रहा है वो अपने बैकपैक में शराब की बोतलें नहीं रखेगा, और इंडियन मीडिया खुद उनके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो अब जो इस बात को समझ चुके हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो मीडिया और जर्नलिस्ट के जरिए हम तक पहुंच रही है लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा इंटरनेशनल मीडिया में, एक तो ये एस्पेक्ट है।